हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं श्रीजल मिश्रा मिली आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग सोशियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो ग्रीन हाउस होता है उसके बारे में। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है भूमंडल में ताप वृद्धि तथा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग्स एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, हाइड्रोजन्स आदि गैसों की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे पृथ्वी के पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन हुए। जो हमारी औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें क्या हुई, नई नई मशीन आई, नई नई फैक्ट्रियाँ मतलब कारखाने स्थापित हुए। और जब कारखाने स्थापित होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, और वो और कारखाने ज़्यादातर कहाँ पे, वनों में ही स्थापित किए जाते हैं। आप देखे होंगे या फिर ज़्यादा जहाँ पे वो रहे वहाँ पे करते हैं, और वो जितना भी उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको या तो नदी में या फिर अगल बगल कहीं फेंक देते हैं, और उसी जगह से क्या होती है, अनेक विषैली गैस उत्पन्न होती है और वो क्या करती है, हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाती है। तो हम आगे देखते हैं, इससे पृथ्वी के पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं तथा ग्रीन हाउस ओजोन क्षरण, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं सामने आई हैं। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन, जो ओजोन परत हमारा O3 वाला होता है उसमें भी क्या हो रही, क्षति हो रही, जिसकी वजह से स्किन का प्रॉब्लम सबको इस टाइम देखो, स्किन बर्न हुआ, वाइट जो सफ़ेद दाग वगैरह, ये सब क्या है, ये सब ओजोन क्षति के कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के इन खतरनाक दुष्परिणामों से समस्त मानव जाति में अनिष्टता का भय व्याप्त हो गया है। तो आगे हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधे घर प्रभाव का अर्थ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा बढ़ने से तापमान में होने वाली वृद्धि से है, टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि से है। ग्रीन हाउस उष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौधा घर होता है जिसकी छत कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। जो ग्रीन हाउस उसका छत किसका होता है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, सूर्य की लघु किरणें इसमें विशिष्ट होकर इसके तापमान को क्या करती हैं, विशिष्ट होकर इसके तापमान को बढ़ा देती हैं, किंतु दीर्घ किरणों के रूप में होने वाला विकिरण इस कांच के बाहर, घर के बाहर नहीं जा पाता। मतलब इसको अंदर अंदर तो चला जाता है हमारे सूर्य का प्रकाश, लेकिन अंदर जाके वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे और बढ़ जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है, तो वही होता है, तापमान बढ़ जाता है किंतु दीर्घकालीन विकिरण कांच के घर के बाहर नहीं जा पाता, अतः इसका तापमान बढ़ जाता है। ऐसे ग्रीन हाउस या हरित गृह का उपयोग कम तापमान वाले क्षेत्रों में सब्जियां उगाने के लिए अधिक किया जाता है। कम तापमान जैसे कश्मीर वगैरह हुआ, जहां पे टेम्परेचर लो रहता है या फिर यूँ कहें कि ना के बराबर होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। पृथ्वी की सतह का औसतन भाग कितना, 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही बना रहता है, जो कि वनस्पतियों प्राणीजन्य के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न होने वाले गैस, कौन कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। सेकेंड में हम बोल देते हैं तो मेथेन उत्पन्न होगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है हमारा। ये सब गैसें हमारे किससे हो सकती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न हमारा उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण वातावरण में अनेक दुष्परिणाम की आशंका व्यक्त की जा सकती है, जिनमें प्रमुख निम्न है। तो वो हमारा क्या है, भूमंडल में ताप वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला क्या आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन। फिर सेकेंड हमारा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, जब हमारा वातावरण प्रभावित होगा तो क्या होगा, हमारे समुद्र का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। हिमानी संकुचन तथा बाढ़, जो हमारे हिम है वो क्या हो जाएंगे, संकुचित मतलब पिघल जाएंगे, और बाढ़ का भी खतरा इससे हो सकता है। फिर अगला हमारा है पेड़ पौधों पर प्रभाव, पेड़ पौधों पर भी अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा मतलब वातावरण दूषित होगा तो क्या होंगे, पेड़ पौधे भी धीरे धीरे सूख जाएंगे। ये तो हमारा वो था। और पछवा में हमारा आएगा जंतु पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर, हम सब पर भी, और पशु पक्षी हर एक मतलब जंतु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कृषि पर प्रभाव, जाहिर सी बात है कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा,
मानव पर प्रभाव और मनुष्य पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा भूमंडलीय ताप वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। तो हमारा है, इसमें हम पहले कारक को ले सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जीवाश्म ईंधन के दहन में कमी लानी चाहिए। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म, पहले जीवाश्म का मतलब क्या है, आई होप आप सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो आज जान लें। जीवाश्म का मतलब जीवों का अवशेष होता है, मतलब कम से कम 20 करोड़ वर्ष पहले, पता नहीं अरब खरब मान लीजिए कि वर्ष पहले हमारे इस पृथ्वी पर कौन रहते थे, डायनासोर वगैरह रहते थे, तब मनुष्य का जीवन संभव नहीं था। तो वो लोग जब रहते थे तो क्या हुआ, एक बार मतलब प्रलय आया, और बोलते हैं ना, बताएं जियोग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, क्या हमारा पृथ्वी पलट गई, पलट गई तो उसमें जितने भी हमारे ये सब थे डायनासोर वगैरह, ये सब जितने भी जीव जंतु थे सब क्या हो गए, नीचे मिट्टी में दब गए। फिर धीरे धीरे बाद में हमारे सृष्टि का विस्तार हुआ मनुष्य है, तो वहीं जो दब गए हैं, जो डायनासोर वगैरह दब गए हैं, तो वैज्ञानिक यही बताते हैं कि उन्हीं सबसे ये जो पेट्रोल वगैरह है इन सब का निर्माण हुआ है। तो वही जीवाश्म ईंधन, ईंधन मतलब जो जलाना हो, तो वही पेट्रोल वगैरह जो है हमारा, मिट्टी का तेल है, इस सब की दहन में क्या करनी चाहिए, हमको कमी लानी चाहिए। इसके लिए आवाड़िक तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अधिकांश उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, आड़विक और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का, जैसे सोलर सेल वगैरह, ये सब, इन सब का उपयोग हमें करना चाहिए। सेकंड हमारा है, व्यापक पैमाने पर हो रहे वन विनाश को रोकने के साथ ही साथ वन क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। हमें वन विनाश को रोकना चाहिए, क्योंकि वन, जो वन है, पेड़ पौधे, वो हमारे अन्य अमूल्य निधि है, ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जो अनेक प्रकार की रोग होती है उसके लिए हमें औषधि देते हैं, हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ, वो हमें सब कुछ देते हैं, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। तो हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। जब हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब 5 जून है, तो उस दिन सबको एक एक पेड़ लगानी चाहिए, ठीक है। हमारा थर्ड है, मानव व पशु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फोर्थ हमारा है, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को सीमित किया जाए तथा वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जाए। और पांचवा हमारा है, भूमि उपयोग की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। तो आप लोग को आज का टॉपिक आई होप समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं, और जाने से पहले हम इतना कहेंगे कि प्लीज़, कोई भी वीडियो बनाता है तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज़ हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।